नाहीये, कारण पहिला तर मुरबी संघाचे नेहमीच सपोर्टर राहिले ते खारघर शिवसेनेचे शहर प्रमुख सन्माननीय शंकरशेठ ठाकूर यांचं सुद्धा मी स्वागत करतोय. या ठिकाणी आला असाल तर या मंचावरती स्वागत आहे आपला. तर जातोय सामन्याकडे. खेळाचं पहिलं सत्र कसे असेल, काय घडेल या सत्रामध्ये याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी जातोय हिंदूचे मशहूर कॉमेंटेटर बाबूशाह. धन्यवाद जगदीश सर, बिल्कुल आपका भी बहुत बड़ा भूमिका. दो तीन साल के अंदर पूरी टूर्नामेंट को आप कवर करते रहते हो और मेहमान नवाजी भी शायद आपसे बेहतर सीखने को हमें अच्छा रहता है. और उसके साथ चलेंगे इस मुकाबले की तरफ. देखिए संजय सेठ ठाकुर से बात करेंगे. बामन डुंगरी जय हनुमान क्रिकेट क्लब के बड़े बेहतर आयोजन करता हूँ. देखिए यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक देते हुए मोरबी टीम को पैकर भी उस टीम के और उनका भी तेरी से स्वागत है. चिड़नर के मैदान कीपर भी देर रात में शुभकामना दिए थे इस टीम को. तो चलेंगे यहाँ पर बतौर सलामी बल्लेबाज की पर बात करेंगे. तो यहाँ पर ओमकार पाटिल विकी पाटिल से. विकी पाटिल देखिए थोड़ी सी बीमार थे, चिड़नर नाइट मुकाबला में नहीं आए थे. उनके घर मुद्दे में मोरबी टीम ने वहाँ पर एक मुकाबला जीता था, दूसरा मुकाबला हारा था. लेकिन आज मैं कहूँगा उनके प्ले इलेवन से मजबूत है. पहली गेंद के पर अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द लाइन खेलने के कारण है कि रघु परदेशी जो फिरकी के जादू कर रहा, बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने उंगलियों से नचाते हैं. लेकिन आज देखते हैं उनके सामने एक युवा टैलेंट से विकी पाटिल. तो देखते हैं विकी पाटिल के नाम भी देखिए, सल बड़ा अच्छा रहा. बाइक मैन सीरीज उस बंदे के नाम बनते जाता हुआ ओमकार पाटिल. ये जोड़ी देखिए सफल जोड़ी है. कुछ बातचीत करते हुए यहाँ पर कुणाल नाइक से देखिए. कुणाल नाइक बात करेंगे, उन्होंने भी कुछ जानकारी दी. उनके भी कुछ एक खिलाड़ी शायद अभी तक आए नहीं है. और दोनों टीम देखिए रायगढ़ से है. जो भी छोटी मोटी बातें रहेगी ये करेंगे. और बंगाल टीम की बात करेंगे ना जगदीश सर, देखिए बाई के रूप में एक रन. और एक ऐसी टीम है ना किसी भी टीम को चुनौती देना पसंद करते हैं. और इस साल बात करेंगे जो इनामपुरी के मैदान के पर था तलोजे के साथ जो मुकाबला था उस्मान पटेल के साथ में, क्या मैच बना था. सुपर ओवर तक पहुंचा था मैच है. एक तरफ से उस्मान पटेल का देख रहे थे कहर, दूसरा तरफ से कुणाल नायक बन रहे थे खलनायक. वो मैच कहूंगा इस बार रायगढ़ टेरेस के सबसे बड़ा मैच था. 25-26 रन ओवर में बनते जा रहा था. अर्धशतक भी शायद वहां दागे थे कुणाल नायक. वो इनिंग्स देखिए अभी भी याद है करते हुए. बहुत बड़ा बिग फाइट्स मैच बना था. और बात करेंगे ना मुरबी और चांबरली के बीच में इस साल, वो मैच एक रोमांचक मैच था. आज चांबरली टीम कुछ कारण से यहाँ पर उपस्थित नहीं दिखा पाए, इसलिए थोड़ी सी आयोजन करताओं को मुश्किल में आना पड़ा. लेकिन फिर भी आयोजन करताओं की तारीफ करना चाहूँगा. देखिए कंधों के पर कंधों को मिलाकर पंकज जी मेहर साहब लीजिए, देवेंद्र मेहर साहब लीजिए, भाई जी रानी साहब लीजिए. आसान काम नहीं रहता है कोई भी चीज़ को अंजाम देना. और देखिए अपनी फिरकी से अभी तक परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को. यहाँ पर ओमकार पाटिल देखिए एक स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, 360 के नाम से पहचाने जाते हैं. और ये बंदा क्रिकेट से कितनी बड़ी प्रेम है इसका उदाहरण मिल सकता है. यहाँ पर देखिए अभी तक बांध कर रखे हैं. और ये चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अंपायर से ये हुआ, बल्ला लिया था पर स्कोर लेके अंपायर ने तुरंत ही बता दिया. और ओमकार पाटिल भी चौंक गया अचानक. होता रहता है कोई बात नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय में भी हमें देखने को मिलता था. निरंजन सावंत सर कल देखिए T20 मुकाबला साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा था. बहुमा का यहाँ पर से लेग बिफर दिया गया था अंपायर की तरफ से, उन्होंने तीसरा अंपायर लिया था और उनकी भी ग्लोव से लगा था पर नट आउट करा दिया. देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर से होता है तो फिर ग्रामीण में ऐसी कोई बात नहीं, ये डिसीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. जो स्वीप शॉट खेलते हैं ना वो इतना आसान नहीं रहता. ये देखिए ओमकार पाटिल के बल्ले से पहला AK-47 6 रन. मुरबी का नाम है युवराज पैकर. मुरबी युवराज है, युवराज लेबन युवराज पैकर. धन्यवाद डीजे. चलिए डीजे रौनक बात करेंगे. यहाँ पर देखिए युवराज पैकर से मुरबी टीम है आज इस नाम से खेलते हुए टीम है. और काम देखिए बेहतर करने के लिए यहाँ पर उतर चुके हैं. और अशोक दुधकर जी देखिए और टीम के शायद पैकर से जिनकी तरफ से देखिए हैट्रिक छक्के के लिए यहाँ पर 2000 रखा गया है. और देखिए ये मैच तो काफ़ी बड़ा होगा जगदीश सर, नो डाउट से, क्योंकि दोनों टीम देखिए एक ही इलाके के हैं और एक दूसरे की ताकत कमजोरी की अच्छी तरह से जानते हैं. और ओमकार पाटिल देखिए रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में सबसे खूबसूरत खिलाड़ी
चेहरा भी जितना खूबसूरत और खेलने का अंदाज भी उतना खूबसूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि फूलों से खूबसूरत कोई नहीं और सागर से गहरा कोई नहीं। रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो ओमकार पाटिल से खूबसूरत कोई नहीं, अगर ओमकार के बाद नाम लिया जाए तो विशाल जीतेकर। ये दो खूबसूरत चेहरा हमेशा रायगढ़ की तरफ से देखने को मिलते हैं। और डेविस देखिए, उनके 12 खिलाड़ी के रूप में हाथ में देखिए ओमकार पाटिल का टैटू, पूरा चेहरा उनके हाथों में है। और देखिए ओमकार पाटिल अभी अभी देखिए शादी के बंधन पर आए हैं, उनके जीवन साथी भी खुश हुई होगी देवेश के इस अंदाज को देखकर कि देखिए कोई तो मुझसे चाहने वाला देवेश पहले ही निकल चुका है, ये होना चाहिए। समीर मात्रे देवीजा बड़ा उनके हाथ में भी टैटू देखिए, ओमकार के काफी फैन रहते हैं, जैसे उस्मान पटेल लीजिए, ओमकार पाटिल लीजिए, आकाश तरेकर लीजिए। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, कुलान नायक क्या बनेंगे खलनायक, ये देखिए बहुत बड़ा जोखिम लिया था मेरे हिसाब से, डायरेक्ट हिट होता तो फिर नजदीकी मामला बन सकता था, कहीं लेने का देना भी पड़ सकता था। लेग बाई के रूप में एक रन आता हुआ, रन कैसे भी आए टीम के लिए यहां पर फायदेमंद साबित होता हुआ और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 8 के घर में, 8 रन यहां पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए हैट्रिक छक्के 2000 है युवराज पेकर से मुरबी टीम, आज इस मैदान के अंदर और क्या बेहतर काम यहाँ पर दे पाएंगे अपने टीम के लिए। कुणाल नायक देखिए गेंदबाजी के लिए तैयार है, छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन कद मत देखिए, काबिलियत देखिए उनके अंदर, हुनर मत देखिए उनके अंदर, संघर्ष करने की पूरी ताकत रखते हैं। ओमकार पाटिल देखिए ऑफसाइड पर कम खेलना पसंद करते हैं और ऑनसाइड पर खेलना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ऑनसाइड पर बात करेंगे ना ओमकार जी ज़्यादातर बल्लेबाज है, क्योंकि ये टेनिस गेंद में इसमें थोड़ी सी ताकत देना पड़ता है और उछलता हुआ गेंद रहता है। और ऑफसाइड पर बात करेंगे कवर ड्राइव इनसाइड आउट इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन जब फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ओमकार पाटिल ऑफसाइड पर भी खेलना पसंद करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन देखिए जब तक वो अपनी ताकत को पहले इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी ताकत है स्ट्रांग जून है, और ये अच्छी सोच है जब आपका स्ट्रांग जोन ऑन साइड पर है, स्वीप शॉट बेहतर खेलते हैं और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी खेलते हैं सीधा बल्ले से, लेकिन वो कम खेलते हैं। विकी पाटिल से ये खिलाड़ी बात करेंगे, काफी चंद दिनों में काफी बेहतर काम है और इस बार देखिए अपर कट खेलना चाहते थे लेकिन नजरें हट गई गेंद से, यहाँ पर आखिरी समय में बल्ले का फेस खोला लेकिन फर्स्ट स्लीपर फील्डर थे, कोई गलती नहीं यहाँ पर, और कुणाल नायक को मिलता हुआ पहला विकेट, सफलता का था इंतजार और वो सफलता मिलता हुआ। धन्यवाद ठीक है, चलिए बात करेंगे आज विकी पाटिल से, काफ़ी उम्मीद था कि एक अच्छा साझेदारी यहाँ पर दे पाएंगे, क्योंकि देखिए मुरबी टीम जब भी एक बड़ी टारगेट तक पहुँचते हैं ना तब विकी पाटिल का बल्लेबाजी, क्योंकि शुरुआत में वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, कुछ रन जोड़ देते हैं और ओमकार पाटिल के ऊपर कम दबाव रहता है, लेकिन यहाँ से देखिए बंटी ठाकुर मैदान के ऊपर, और ये बंदा जब मैदान के ऊपर उतरता है ना बात करेंगे बंटी ठाकुर का ना, ओमकार जी देखिए इनके बड़े फैन है यानी बड़े फ्रेंड है और एक दूसरे के साथ करण अर्जुन के जैसे उनके जोड़ी रहता है हमेशा मैदान के बाहर है। निकिस मात्रे बात करेंगे, स्टार हुए के स्टाइलिश खिलाड़ी, हमेशा उनकी तरफ से शुभकामना रहता है मुरबी टीम के साथ साथ बंटी ठाकुर की बल्लेबाजी को, और देखते हैं क्या यहाँ पर वो इनिंग्स दिखा पाएंगे। हल्की से आंधी देखिए मैदान के अंदर, और ये चलिए बंटी ठाकुर गेंद तो ऊंचाई ली है और लंबाई भी ले ली, झलक 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 दिखला जा 6 रन।
कमाल का छक्का देखिए, गेंद को फ्लाइट दिया था, बल्लेबाज को आमंत्रण दिया था और सीधे बल्ले से खेले और बल्ले के बीच में गेंद आता हुआ और छक्के के साथ टीम का स्कोर 17 के घर में पहुंचता हुआ। गेंदबाज तैयार रहा और इस बार देखिए कवर के ऊपर से खेला, डिप कवर तैनात और बंटी ठाकुर का इनिंग्स यहां पर समाप्त होता हुआ। एक छक्के लगाए और इसे कहते हैं दोस्तों मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का लगा, बल्लेबाज का था जुनून, इस गेंद के ऊपर मिलता हुआ विकेट, यहां से मिलता हुआ सुकून। धन्यवाद। चलिए बंटी ठाकुर यहाँ पर एक छक्का आ चुका था, जरूरी नहीं था यहाँ पर फिर से बड़ा शॉट खेलना। ओमकार जी देखिए एकाक चौके छक्के, मैं कभी भी कहता हूँ बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता और एक दो चौके छक्के लगाने से कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते हो, बड़े खिलाड़ी बनने के लिए बड़ा इनिंग्स भी खेलना पड़ता है। और बंटी ठाकुर ने देखिए चिरनर के मैदान के ऊपर अच्छा खेले थे, बतौर सलामी बल्लेबाज विके पाटिल नहीं थे वहाँ पर, लेकिन आज देखिए यहाँ उनका इनिंग छोटा रहा। लेकिन का तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर कुणाल नायक, देखिए यहाँ पर छक्के खाने के बाद उन्होंने फिर से आमंत्रण दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने के लिए। और मैं कभी भी कहता हूँ देखिए मिर्च मिठाई खाने का मजा तो मिर्ची खाने के बाद मिलता है, और जब छक्के खाने के बाद गेंदबाज वापसी करता है ना, और इससे कहूँगा बेहतर खुशी के समय नहीं। और देखिए यहाँ पर विकेट्स मिला भलाई कहूँगा कुणाल नायक को, लेकिन फिर से रघु परदेसी को बुलाया गया और देखिए भाई ये पुराना हथियार है लेकिन अभी तक चमक देखिए। रोशन पाटिल, रोशन पाटिल, रोशन पाटिल की बात करेंगे तो ये बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज है कभी भी और ये चलिए गेंद यहां पर हवा में और वही फील्डर के पास, इसलिए रघु परदेसी को फिर से बुलाया गया दूसरा ओवर के लिए खुद के। तो चलिए धन्यवाद डीजे। और यहाँ से बात करेंगे ना, देखिए रोशन पाटिल जिन्हें बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा ऊपर उतारा गया था, ओमकार जी देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना, ओमकार पाटिल मैदान के अंदर है तो मेरे हिसाब से आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, रोशन को यही काम करना चाहिए था, शायद सिंगल भी दे सकते थे, गेंद का लाइन छोटा था। और देखिए फिरकी के गेंदबाज, फिरकी के जादूगर रघु परदेसी, क्या कमाल की गेंदबाजी। और ये चलिए भाई अपने फिरकी में नचाते हुए, और ये रघु परदेसी की गेंदबाजी देखने के साथ ना मुझे याद आ रहा है हिंदुस्तान टीम का एक गेंदबाज जिन्होंने केविन पीटरसन को काफ़ी परेशान किया था। जगदीश सर कहते हैं ना कटोरी कटोरी में भिगा आंवला, ये गेंदबाज है पीयूष चावला। पीयूष चावला ने केविन पीटरसन को बहुत नचाया था अपने लेग ब्रेक से जब हिंदुस्तान दौरा किए थे, और शायद उस समय केविन पीटरसन को हिंदुस्तान टीम के किसी गेंदबाज ने परेशान किया था, वो पीयूष चावला। लेकिन उसके बाद उनके गेंदबाजी ज़्यादा समय नहीं चला वनडे मुकाबला में, लेकिन अभी भी देखिए आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बेहतर काम करते हैं। और रघु परदेसी देखिए उसी तरह के लेग ब्रेक, मुकेश ठाकुर बड़े शॉट खेलना पसंद करते हैं, लेट कॉट खेले यहाँ पर, आउटफील्ड तेज, हर गेंद को क्या रोक पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं, काफी लंबे समय के बाद चौका, लेकिन रघु परदेसी थोड़ी सी है नाराज। चलिए देखिए गेंदबाज यहाँ से नाराज होते हुए अपने फील्डर से, और रघु परदेसी देखिए इतना अच्छा गेंद अगर चौका निकल जाता है और वहाँ देखिए गेंद घूमता इतना आसान नहीं रहता, इसलिए तो मैं कहता हूँ बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। तो आपको मेहनत करना होगा यहाँ पर रन बचाने के लिए, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा और फिर से क्या कमाल की भाई मुकेश ठाकुर, क्या कमाल का क्रिकेट, व्हाट ए शॉट, नो फील्डर नो चांस, डीप पॉइंट फॉर रन्स।
पड़ेशो। धन्यवाद है ये। चलिए ओमकार देखिए, यहाँ पर मुकेश ठाकुर को बधाई देते हुए वो बता रहे हैं शादी तो मैंने किया हूं लेकिन जिम्मेदारी इनिंग्स आप खेल रहे हो, लेकिन ओमकार पाटिल अभी तक असली रंग में आए नहीं हैं। मुझे लग रहा है ये उभर के बाद ओमकार पाटिल अपने 360 दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां से देखिए जो रघु परदेसी है ना वो गति नहीं उन्हें मिल पा रहा है 360 बल्लेबाजी करने, जो स्लोक स्वीप खेलना इतना आसान है। लेकिन मुकेश ठाकुर को मैंने कभी ऐसे बल्लेबाजी करते हुए कम देखता हूं, हमेशा बड़ा शॉट खेलते हैं लेकिन इस बार देखिए गेंदबाज की ताकत के ऊपर वार करते हैं। मुकेश ठाकुर भी जानते हैं इनकी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने जाए तो कहीं रोशन पाटिल का जो विकेट गिरा वो ना काम बन जाए। और इस बार भी देखिए कवर के ऊपर से और लगातार देखिए यहां से निकल गया तीसरा चौका। वाह रे वाह, मुकेश ठाकुर के बल्ले से निकला ये कमाल का चौका। धन्यवाद। ये चलिए ड्रिंक्स देखिए मैदान के अंदर ही है और मुकेश ठाकुर देखिए पानी की तरफ आते हुए, और मैं हमेशा कहता हूँ कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। और मुकेश ठाकुर देखिए यहाँ पर अपना इनिंग्स को यहाँ पर आगे लेते हुए लगातार तीन चौके दागने के साथ वो दबाव निकालते हुए टीम का टोटल देखिए यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ 30 रन। क्या कमाल का क्रिकेट देखिए, थोड़ी सी कहानी में फिर से एक बार ट्विस्ट आता हुआ, मैच में मजा आता हुआ। और जिन दर्शक इस मैदान के ऊपर देर से आए उन्हें भी जानकारी देना चाहेंगे कि ये मैच भिंगारी मुरबी के बीच में खेला जा रहा है, और जहां से बात करेंगे ना टॉस जीतने के साथ भिंगारी टीम गेंदबाजी लेती है और पहले बल्लेबाजी के लिए अब मुरबी टीम को आमंत्रण देते हैं। देखिए शुरुआत थोड़ा सा कहूँगा खराब रहा यहाँ पर, और बल्लेबाजी की बात करेंगे ओमकार पाटिल के बल्ले से एक छक्का लगा और उसके बाद उनका बल्ला खामोश रहा, लेकिन विकी पाटिल देखिए आज उनका दिन खराब रहा क्योंकि बीमारी के बाद मुकाबला में वापसी करते हुए 3 डॉट गेंद निकलने के बाद उनका विकेट गिरा। और बंटी ठाकुर के ऊपर उम्मीद किया गया था कि आज ये बंदा फिर से अपने टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा, और उन्होंने भी आते ही देखिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश की जहाँ छक्के एक दागे 8 रनों का इनिंग्स रहा और ज़्यादा समय नहीं चला उनका बल्लेबाजी। और उसके बाद देखिए रोशन पाटिल बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन ये बंदा का दिन भी आज खराब रहा, 0 पर आउट हुए। लेकिन मुकेश ठाकुर मैं हमेशा कहता हूँ चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है और मुकेश ठाकुर हमेशा नीचे बल्लेबाजी उनके बेहतर रहता है, और इसलिए कहते ना चांद रात में क्यों निकलता है और मुकेश ठाकुर नीचे बल्लेबाजी क्यों करता है, क्योंकि इनका बल्लेबाजी हमेशा नीचे संकट मोचक बल्लेबाजी। और मुकेश ठाकुर का इनिंग्स कौन भूल सकता है शायद 2017 इनामपुरी के मैदान के पर बाइक उनके नाम था और क्या अर्धशतक इनिंग्स खेले थे और उनके जिंदगी का पहला बाइक है। और अब तो हम भाऊ ठाकुर से बातचीत करेंगे, भाई इन्हें अब शादी के कगार तक ले जाइए, जिम्मेदारी अच्छा उठा रहे हैं। और ये चलिए बात कर रहे थे कि ओमकार पाटिल रंग में आएंगे, लेकिन इस रंग में आने का एक मौका भी था, दोनों फील्डर आपस में तू तू मैं चिंगो चिंगो। धन्यवाद। ये चलिए भाई खिलाड़ी नाराज हैं एक दूसरे से, ये देखिए बता रहे हैं आपको कैच लेना चाहिए था लेकिन किसी एक को भी कैच लेना चाहिए था, नहीं तो ये जो ओमकार पाटिल मैं पहले बता चुका रंग में आ चुका है और चौके के साथ देखिए यहाँ पर लगातार देखिए बात करेंगे ना चौथा चौका आता हुआ मुरबी टीम के लिए। युवराज पेकर से मुरबी टीम देखिए इस नाम से खेलते हुए टीम और काम भी बड़ा बेहतर करते हुए, और भिंगारी टीम देखिए मैं कहूँगा मैच में पकड़ बनाए थे। देखिए जब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ था युवराज पेकर से प्रेमनाथ इलेवेंस मुरबी टीम है, क्योंकि प्रेमनाथ बात करेंगे ना ये टीम है उनके नाम से खेलते हुए सूर्य। और उसके साथ देखिए आज युवराज पेकर के नाम से खेलते हुए लेकिन संजय ठाकुर सब बात करेंगे भामन डोंगरे के, उन्होंने भी ये टीम को पेकर करते हुए, और लेकिन बाची की बात करेंगे देखिए यहाँ पर प्रशांत मात्री साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तहदिल से उनका स्वागत है। और देखिए मेहमानों का आना जाना दोपहर के समय, कहते हैं ना दोपहर के समय लोग खाना खाकर बिस्तर पर लेटना पसंद करते हैं, टीवी पर शो देखना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत मात्री साहब देखिए यहाँ पर जो दोस्ती रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ होता है,
वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। देखिए हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल अंपायर देखने को मिल रहे हैं, उनकी भी तारीफ सराहना करना चाहूँगा। आज के दिन के पर जूनियर प्रीमियर लीग देखिए जिन्होंने, और निरंजन सावंत सर देखिए स्वर्गीय रतन गुआ ट्रॉफी, और ये चलिए कि इनकी लाइन को पहचान लिए, और यहां पर भी देखिए मौका था कैच का और कैच छोड़ा और छक्का आया। धन्यवाद डीजे। और ओमकार बता रहे हैं मेरी बहादुरी की सोरत है दूर दूर, और जो भी टकराएगा हमसे वो पछताएगा जरूर। मुश्किल बनता हुआ गेंदबाज को, और ये कमाल की गेंद, ब्लॉकल में गेंद देखिए, बल्लेबाज को रोकने का ये अच्छी गेंद है, ब्रह्मास्त्र। कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। स्कोर की बात करेंगे देखिए रोका है 41-41 के घर में, और छक्के खाने के बाद डॉट गेंद। लेकिन यहां से देखते हैं अगली गेंद के पर क्या आशीष परदेसी यहां पर अभी तक देखिए चौके खाए, फिर से डॉट गेंद निकाले, वाइड खाए और छक्का खाए और फिर से डॉट गेंद निकाले, और कितनी यहां से कब तक रोक पाएंगे। और ये चलिए ओमकार पाटिल ने इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी, और कमाल का कैच होगा क्या, क्या टूर्नामेंट का बेस्ट। ओहो चिंगो चिंगो, दर्शकों की देखिए निर्णय वहां से आता हुआ छक्के के लिए, लेकिन अंपायर का इशारा का इंतजार रहेगा। तो चलिए थोड़ा आयोजन करता हूं यहां पर देखिए, तो चलिए वहां पर क्या होलेंडर हैं, बिल्कुल कमेटी वहां पर है और उनकी तरफ से इशारा आ रहा है, छक्का इशारा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद कमेटी के लोग जब हैं तो फिर सवाल पैदा ही नहीं होता है मेरे हिसाब से शायद, क्योंकि दर्शक की तरफ से देखिए, दर्शक भी आजकल ईमानदारी भाई वो तो हीरो हैं क्रिकेट के, लेकिन कभी कभी क्या होता है समर्थक जोश में रहते हैं ना। तो चलिए अंतिम फैसला आया छक्का, यहाँ पर निराश रहेंगे आज दिन, मैं कहूँगा शायद भिंगारी के साथ नहीं। तो चलिए फुंडे टीम के कप्तान आपको उपस्थित रहना होगा, जैसे इनिंग समाप्त होगा टॉस किया जाएगा, वाइट का इजाफा, टी शर्ट लेकर जाइए दोनों टीम फुंडे, अगला मैच अंजूर के बीच में, रिपोर्टिंग कीजिए, इनिंग जैसे समाप्त होगा टॉस के लिए आना होगा। और ये चलिए भाई बात करेंगे ना आज गेंदबाज भी क्या कर सकते हैं, और क्या चलने के बाद ये कमाल की गेंद, अंतिम गेंद देखिए यहाँ पर डॉट गेंद निकलता हुआ, और इस भर में बात करेंगे कहानी ऐसा रहा, चौके के बाद डॉट गेंद निकला, छक्के के बाद डॉट निकला, फिर से छक्का बल लगा और उसके बाद फिर से डॉट निकला। और बात करेंगे जो वाइड यॉर्कर के कार लिए जो इस्तेमाल कर रहे थे गेंदबाज, और उस इस्तेमाल में दो खराब गेंद भी डाल बैठे वाइड गेंद, और उससे ज़्यादा दिल में नाराजगी नहीं हुई कि जो छक्का गया जो कैच बना वहाँ पर, लेकिन लाइन से चूक गए थे फील्डर। और टीम का स्कोर देखिए यहाँ पर फुंडे टीम के कप्तान देखिए यहाँ पर आते हुए, स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ पर 48 के घर में, तो आने वाला अभी भी है 6 गेंद, और ये 6 गेंद के पर कितना रन जोड़ेंगे और कितना रन यहाँ पर गेंदबाज लुटाएंगे ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा। तब तक के लिए थोड़ा चलते हैं डीजे। क्या बात है ये, चलिए टाइटल सॉन्ग एक ब्राई ग्रुप हो जय हनुमान क्रिकेट संग रंजर। देखिए यहाँ पर 4 बाइक देख सकते हो आप, काफ़ी चर्चा हो रहा है इस टूर्नामेंट के बारे में, क्योंकि 4 ट्रॉफी लेने के साथ साथ हर टीम बाइक लेकर जाएंगे घर पे, ऐसा नहीं कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखिए खास ट्रॉफी मैं कहूँगा शायद कुछ प्राइज, लेकिन जो 4 टीम पहुँचेंगे टॉप 4 पर, और टॉप 4 पर पहुँचते ही सोच लेंगे पम्पम यानी हीरो डिलेक्स गाड़ी घर पहुँचेगा। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे, 6 गेंद बचा है, अंतिम 6 गेंद, मैं हमेशा कहता हूँ उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, तलाश करो ऐसे इंसान की जो अंधेरे में साथ दे। और मुश्किल समय में गेंदबाजी की बात करेंगे,
स्वप्निल यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, और हर गेंदबाज का जो तोड़ देता है गुरूर वह है भाई मुकेश ठाकुर, और दूसरी तरफ देखिए जो हर गेंदबाज को बना देता है कातिल वो है बल्लेबाज ओमकार पाटिल, यानी दोनों सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। देखिए दोनों बात करेंगे, मुरबी के सबसे मैं कहूंगा खतरनाक बल्लेबाज दोनों मैदान के ऊपर हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज को अगर रोक लेते हैं गेंदबाज, अगर कहीं 10 रनों के अंदर खर्चा कर लेते हैं तो फिर सोने पे सुहागा मैं मानूंगा। लेकिन मुकेश ठाकुर तो सिंगल के साथ अपना छोड़ बदल दिया, स्कोर की बात करेंगे 49 है, अगर 60 तक भी पहुंच जाए तो खुश रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की 4 ओवर के मैच में गोरशाही टीम ने यहाँ से मैच हारा, ये मैदान देखिए काफी बड़ा मैदान है। आज नरेश भूर भी शायद प्ले 11 पर नहीं है, महेश दलबी भी नहीं है, प्रताप नावड़ेकर भी नहीं है, शुभम ठाकुर भी नहीं है, और ये चलिए दूर से खेलते बैठे यहां पर ओमकार पाटिल का यहां से इनिंग्स रहा समाप्त, लेकिन फिर भी एक ठोस इनिंग्स। धन्यवाद डीजे। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे 13 गेंद के पर 23 रनों का इनिंग्स ओमकार पाटिल का यहाँ पर इनिंग्स समाप्त होता हुआ, लेकिन काफी सारे साझेदारी निभाए और टीम को एक मुश्किल समय से निकाल दिए। चलिए ओमकार पाटिल देखिए 13 गेंद के पर 23 रनों का इनिंग्स लेके इस मैदान के अंदर, बुम बुम मुकेश ठाकुर, क्या इन्हें रोक पाएंगे गेंदबाज स्वप्निल? तारीफ करना चाहूंगा स्वप्निल का, जिस तरह की यहाँ से गेंदबाजी करते हुए काबिले तारीफ भाई, जितनी तारीफ करो उतना ही कम, कमाल की गेंदबाजी होता हुआ, अंतिम ओवर में रन बचाना इतना आसान काम नहीं रहता है। और यहाँ पर देखिए स्वप्निल बता रहे हैं भाई उजाला मिल सके भिंगारी टीम को मैं अपना घर भी जला दूंगा, यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, और पूरी तरह से देखिए प्रहस जारी है। और ये चलिए मुकेश ठाकुर गेंद को उड़ाया, वाह रे वाह, गिली गिली चंपा खुश हुई, रंबा गेंद गया लंबा, ठोक दीजिए। और ये चलिए टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया 55। स्वप्निल देखिए पहली 3 गेंदों में रनों पर अंकुश लगाया था, लेकिन जगदीश सर कहते हैं ना बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, और मुकेश ठाकुर जैसे बल्लेबाज को आप कब तक रोक पाओगे। लेकिन फिर भी मैं गेंदबाज का तारीफ करना चाहूंगा, भलाई छक्का खाया, क्योंकि क्रिकेट में तो चौके छक्के लगता रहता है, लेकिन आने वाला 2 गेंद स्कोर की बात करेंगे, देखिए 55 के घर के ऊपर क्या मुकेश ठाकुर अंतिम 2 गेंद के ऊपर बढ़ा यहां पर रहा शॉट खेलने के साथ। ओहो ये देखिए उवाना ग्रेट सिक्स, कमाल की बल्लेबाजी देखिए यहां पर मुकेश ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ आखिरी गेंद, क्या हैट्रिक छक्के के लिए जो यहां पर बख्शीस रखा गया है इनाम राज पेकर से अशोक दुतकर जी, क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे और संकट मोचक बल्लेबाज क्यों मुकेश ठाकुर माने जाते हैं? थैंक यू। तो चला टॉस साठी या गावदेवी अंजूर बनाम जीबी पुंडे, तो दोन्ही संघाचे कॅप्टन याचे एकीकडे असेल तो भिवंडी, तो दूसरी कड़े पाइट करेल तो उरन। तो चलिए आखिरी गेंद देखिए यहाँ पर क्या छक्का लगेगा या विकेट मिलेगा, लेकिन मुकेश ठाकुर क्या यहाँ पर हैट्रिक छक्के के साथ मैदान के अंदर देखिए ले आया चल जला। कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि किसी के सामने, और इस बार ब्लॉकल में गेंद अच्छा गेंद, तारीफ करना चाहूंगा 2 छक्के खाने के बाद यहाँ पर वापसी करते हुए गेंदबाज, और मुकेश ठाकुर देखिए रन आउट हो गए, थोड़ी सी फिटनेस बॉडी लैंग्वेज और अच्छी बल्लेबाजी, 2 छक्के देखिए यहाँ पर मैच का रूप बदल दिया। चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, दोनों कप्तान तैयार हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग्स के लिए चलेंगे। और ये चलिए मुकेश ठाकुर, मैं क्यों कहता हूँ कि
चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है और मुकेश ठाकुर के नीचे बल्लेबाजी 8 गेंद के ऊपर 26 रनों का इनिंग्स। चलिए मुकेश ठाकुर का इनिंग्स अच्छा लगा तो एक बार ताली होना चाहिए। 8 गेंद 26 रन और 2 छक्के मैच को खोल दिया। और देखिए बबलू बबलू तैयार हो चुके हैं। थैंक यू। तो टॉस करने साथ मैं आमचे या स्पर्धेचे आयोजक रविशेट मेयर यांचे पिताश्री यांना मी विनंती करेन, रामचंद्रजी मेयर यांचे शुभासे नाणेफेकी केला जाईल। या दोन संघामध्ये जीबी पुंडे विपक्ष गावदेवी अंजूर। तर प्रथम ज्या दोन संघामध्ये सामना होईल, 5 षटकांचा सामना असेल, धावसंख्या कंपल्सरी चेस करावे लागेल। हाय टेन्शनला जर बॉल लागला तर जो निर्णय असेल तोच निर्णय देण्यात येईल आणि रिव्ह्यू 1 मिळेल। आउट असेल तर आउट, षटकार गेला तर षटकार। तर मी काय या मॅच बघितलेलं नाही, पण कमीत कमी धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। तर जे बी पुंडे संघ म्हटला की उरणचा संघ पाहायला मिळतोय, मात्र तो पहिल्यांदाच या बदलापूर नगरीमध्ये अर्थात एरंजड गावामध्ये आलाय आणि स्पर्धा आहे 2 लाखाची 4 बाईक आहेत। काय म्हणाले स्पर्धेविषयी? आयोजन तर फार सुंदर आहे, बघूया आता खेळून किती मजा येते ती। ओके, खेळल्यानंतर मजा येईल। तर कुणाल आमचे समयत आहेत, आपण टॉस गमावला, जर टॉस जिंकला असता मग काय? फलंदाजी घेतली, आता फलंदाजी करायची आहे। पुंडे संघाविरुद्ध पहिल्यांदा खेळता, तर जास्तीत जास्त किती धावांचं टार्गेट असेल? नाही, आम्ही मागल्या 2-3 मॅच बघत आहोत, चेसिंग करताना टीम जरा मागे पडते, त्यामुळे बॅटिंगच घेणार। मग आपला आपण आताच हिंदुहृदय सम्राट मध्ये खेळा आणि आता जर इथे खेळणार आहे ते प्लेइंग 11 मध्ये काही बदल असेल का? नाही, काय बदल नाही, फक्त एक सुनील गरत इंजर्ड असल्यामुळे नाही खेळणार। बाकी तर निश्चितच या स्पर्धेविषयी काय सांगाल? फार मोठी स्पर्धा पाहायला मिळतोय। नाही, चांगली स्पर्धा आहे, नवीन आयोजन बघतोय, 4 बाईक आहेत। कारण भेंडीमध्ये पाहिलं तर 21 बाईक असतात, गतवर्षी खासदार चषक झालं, मात्र यावर्षी 4 बाईक ठेवल्यात आणि 4 बाईक अशासाठी आहेत की प्रत्येक संघ रोजे क्वालिफाय होईल त्या संघातील एखादा चांगला खेळाडू असेल जो मैदानावरती जास्त घामगाळे जास्त मेहनत करेल त्याच्यासाठी बाईक आहे। काय म्हणाल? निश्चित चांगली रणनीती आहे, सुंदर हे केलेलं आहे आयोजन वगैरे, खेळायला मजा येईल। ओके, थँक्यू कुणाल। तर टॉस बॉक्स मधून न्यूज येते का, जीबी पुंडे संघाने टॉस जिंकलाय आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। तर मंचावरती काही सन्मान करतोय, तर आमचे पाळेगावचे सन्माननीय सुखदेशव मडवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान केला जाईल। आमचे देवेंद्र मेहर या स्पर्धेचे लाडके आयोजक, त्यांचे शुभासे सुखदेशव मडवी यांचा मंचावरती यथोचित मान सन्मान केला जातोय। त्याचबरोबर पुढचे सत्कार मूर्ती असतील ते दर्शन भालेराव, दर्शन मात्रे, दर्शनजी मात्रे यांना सुद्धा सन्मानित करतोय। त्याचबरोबर प्रतीक भालेराव आहेत, तर त्यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करणार आहोत। तर या दर्शन मात्रे आणि प्रतीकजी भालेराव या दोन मान्यवरांना आम्ही या मंचावरती आमच्या आयोजन कमिटीच्या वतीने सन्मानित करतोय। तर खेळाचं पहिलं सत्र संपलंय, पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं तर मुरबी टीमने बॅटिंग केली, एक पार्टिंग स्कोर उभा केला आणि त्याला मात्र चेस करायचे ते मात्र भिंगारी संघाला, मात्र या धावा रोखल्या जातील की त्यांना चेस केलं जाईल याचं उत्तर मात्र द्वितीय सत्रामध्ये मिळेल। आणि जसं सामना सुरू होईल तसं मात्र मायक्रोफोनवरती येतील आमचे साथी समालोचक मित्र ओमकार शेट्टे। तो चलते हैं ओमकार जी के पास। यहाँ पर एक टारगेट देखिए, बड़ी टारगेट है, लेकिन देखिए इस साल की बात करेंगे जो इस्टिया मुरबी टीम के पैकर्स है संजय सिंह ठाकुर साहब, देखिए इस मैच को देखने के साथ साथ शुभकामना देते हुए यहाँ पर मुरबी टीम और इस टूर्नामेंट को। और चलते हैं ओमकार जी के पास। थैंक यू बाबू शाह अनि जगदीश दादा पाटिल। यश ही नशीबाना मिळणारी गोष्ट नाही आहे, उचित ध्येयाच्या उद्दिष्ट पूर्तीकडी होणारी वाटचाल म्हणजे यश। यश आणि सुख दोघं जोडीनंच येतात, जे आपल्याला हवं आहे ते मिळवणं यश आणि आपल्याला जे नको हवं असतं ते मिळतं ते म्हणजे दुःख। या मॅचमध्ये दुःखाची चव कोण चाखेल, भिंगारी की ते प्रेमनाथ 11 मुरबी जो युवराज पॅकर्स या नावानं आज खेळतोय। बस स्टॉपला दोन्ही टीम्सला आलेल्या तमाम लाडक्या क्रीडा रसिकांचं भिवंडी कल्याण रायगड विभागातनं जे खेळाडू दाखल झालेत त्यांचं देखील आमदार चषक ऐरन झाड च्या या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक सुस्वागतम। सन्माननीय प्रसादजी मेहर यांना विनंती करतो, आपण या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक सुस्वागत आहे। फास्ट संपर्क साधायचा थोडा
आमच्या मॅनेजमेंट कमिटी मेंबर्स सोबत. विकी पाटील येतो बॉलिंग मार्कवर. पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. भिंगारी क्रिकेट ही ताकद दाखवत असताना 63 टार्गेट इथे त्याला उत्तर देत असताना टीट फॉर टॅट षटकार. थँक्यू डीजे. पहिलाच बॉल फुल्लर लेंथ होता अगदी डाव्या त्याच्या बॅट समोर ऑन साइड ला पाठवला हनुमंत गाडे स्टँड वर ना हा षटकार आला. ध्येय गाठण्यासाठी मेहंदीचा वेग इतका मोठा ठेवा की अडथळे कधी आले आणि कधी गेले कळायला देखील नाही पाहिजे. त्याच ईर्षेनं सुरुवात करताना टीम भिंगारी पाहायला मिळतीय. कुणाल नाईकचा हा संघ सूरज परदेशीच्या निकित जोडीनं सागर परदेशी षटकारानं सुरुवात करतोय. इथे फटका मिस टायमिंग या बॉल हवेमध्ये देवेश गरत त्यानं टिपली ही कॅच फलंदाज होईल इथे बाद लागतोय हा धक्का आणि स्क्रीन वरती होईट यू आउट. थँक यू डीजे. नंबर 3 ॲज वन डाऊन भरपूर लवकर यावं लागतंय. पहिल्या बॉलवरती षटकार नंतर विकेट. नुब्बासमन इंटर होईल भिवंडी विभागातनं. गावदेवी अंजूर देखील इथे दाखल झाला. वेलकम मुकेश दादा पाटील कुणाल म्हात्रे आणि टीम गावदेवी अंजूर ती फाईट करेल नेक्स्ट मॅच मध्ये. बॅटिंग करत असताना त्यांच्यासमोर संघ असेल प्रथमेश म्हात्रेचा. उरण विभागातील एक दादा संघ फोंडे खेळत. इथे स्ट्रोक चांगला इनफील्डच्या वरनं वॉड शॉट चपराक दिली या बॉलला. जसा बॅट वरती आला तसा अगदी वेगानं बॉल ट्रॅव्हल होतोय. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी. आमचे आयोजक सन्माननीय प्रसाददादा मेहर संपर्क साधायचा व्यासपीठावरती. षटकारानंतर विकेट नंतर चौकार म्हणजे आग दोन्ही बाजूला सारखीच पेटली आहे. फक्त विजवेल कोण त्यासाठी हा संघर्ष सुरू राहील. चौकारानंतर हा चांगला बॉल विकी पाटील त्याच्यासमोर डाव आहे त्याचा बॅट्समन लेफ्ट हँडेड बॅट्समन समोर. लेफ्ट हँडेड बॉल नेहमी ॲडव्हान्टेज असतं. रन्स तुम्हाला वेगानं येताना दिसतात बट या सगळ्या चॅलेंजला एक्सेप्ट करतोय विकी पाटील चांगली बॉलिंग करत असताना. विकी सुनील पाटील इथे बॉलिंग करत असताना इथे बॅटची आदली केडा इन रेज बॅटची कडा घेऊन बॉल जातो. ओमका पाटील यष्टी रक्षकाच्या भूमिकेत. सुनील पाटील एक चांगले नामांकित पंच आहेत रायगड विभागातील मुरबी गावातील. मी म्हणेल एवन जोडी एक समालोचन असोसिएशन अध्यक्ष जे रायगडचे संदीपजी पाटील सर ते देखील मुरबीमधनं बिलॉंग करतात. आणि एक सुनील पाटील सर इथे बॉल हवेमध्ये संकेत त्याच्या खाली. मी ती अविकी पाटीलला सफलता फलंदाज इथे बाद होईल. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ देखील संपन्न झाला. 10 धावा खर्च करत असताना इथे 2 विकेट्स मिळालेत. त्या म्हणजेच बॅटिंग करणाऱ्या भिंगारी टीमच्या गोलंदाजी करणाऱ्या युवराज पॅकर्स मुरबी क्रिकेट संघाला.
थँक्यू डीजे. बॅट्समन इंटर होतोय, कमी वंचीचा कमी वयाचा एक मोठ्या ताकदीचा खेळाडू. या भिंगारी गावाच्या क्रिकेटची ओळख रघु परदेसी नंतर जर कोणी आपल्या खांद्यावरती घेतोय तर ते नाव म्हणजेच कुणाल नाईक. प्रचंड पोटेन्शियल आहे, रायगडचा हेलिकॉप्टर किंग म्हणून त्याला म्हटलं जातं. विकी पाटीलनं खर्च केल्या 10 धावा, फलंदाज त्यांना बाद केले 2, सागर आणि आशिष. सूरज परदेसी आहे मैदानाच्या आतमध्ये 4 क्रमांकावरती. कुणाल नाईक आला 63 रनचं टार्गेट आहे, तर 24 बॉल 53 धावा आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती संकेत पाटील येतोय. वल्लभची आताच नाईट स्पर्धा पाहिली तर काय 2 ओव्हरचा स्पेल टाकला होता, 5 विकेट घेत असताना लुचकोची मॅच मुरबीला ज्यांना जिंकून दिली बंटी ठाकूरच्या मार्गदर्शनाखाली, तोच गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. संकेत पाटील यष्टीरक्षक आहे बंटी, राऊंड विकेट. पहिलाच बॉल अगदी हवेमध्ये फ्लाय करून टाकला होता, थोडंसं खाली आणला बॅटन पॅडमध्ये लोव फुल टॉस, त्याला फ्लिक केलं हलक्या हाताने बॅटन पॅडमधनं 2 धावेसाठी. बोला तयार, इथे लाईन चांगली आहे, अपील होत आहे लेग बिफोर विकेटसाठी. ड्रोन कॅमेरा आमदार चषक हिरणझाडमध्ये काही क्षणचित्र टिपत असताना आमच्या स्क्रीनवरती ते सगळं दृश्य काही क्षणात तुम्हाला दाखवतील आमचे गौरव सावंत ऑन लाईव्ह स्क्रीन. इथे अपील पुन्हा एकदा झालंय, उत्साह आहे आणि आत्मविश्वास देखील, आणि अंपायर निरंजन सावंत सरांचं फिंगर अप होतंय म्हणजे परतावं लागेल मैदानात न बाहेर. फलंदाज सूरज परदेसी बॅक टू डग आउट. थँक्यू डीजे. तर टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमात ऑनलाईन आमच्यासोबत जॉईन झालेत, ज्याच्या फटक्यानंतर प्रत्येकाच्या प्रेक्षकाच्या हातातनं येते टाई. ते नाव आहे मानकोळीचं, दबंग दीपू माई, लायन ऑफ मानकोळी. वेलकम दीपू दादा, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. आताच न्यू इनिंग देखील त्याची स्टार्ट झाली आहे, तर मी काही दे दीपूच्या फॅन्सना भरपूर मिस केलं दीपू माईला, बट लवकरच पुन्हा एकदा टीम मानकोळी कम बॅक करेल आणि पुन्हा एकदा भिवंडीचा लायन ऑफ मानकोळी 30 दशक तोच दरारा घेऊन उतरताना आपल्याला दिसेल. ओमकारची देखील न्यू लाईफ स्टार्ट झाली, बट ओमकारनं चांगली बॅटिंग केली आणि त्याच ओमका पाटीलला आणि कुणाल नाईकला इथं बस स्टॉप लग देत असताना मानकोळी भिवंडीचा स्टार दीपू माई वेलकम आहे, आपलं देखील हार्दिक असं स्वागत. त्याचनंतर संदीपजी पाटील जे रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष या मॅचचा आनंद घेत असतील, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. तागातील समालोचकांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म, एक चांगलं वासपीठ. इथे फुल टॉस आहे, बॉल जाईल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, फिल्डर आहे, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क, अप्रतिम प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नातनं भरपूर चांगलं मी म्हणेल यश इथे संपादन करताना टीम प्रेमनाथ 11 मुरबी युवराज पॅकर्स आपल्याला पाहायला मिळती आहे. रन आली फक्त एक सिंगल धाव फलक एकने पुढे जाईल, टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळती आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना 13 धावा धाव फलकावर. थँक्यू. तर याच दरम्यान पाहतो युवा कार्यकर्ते आणि युवा सेना अधिकारी सन्माननीय शैलेशजी भोईर साहेब यांचं मंचावरती आगमन झालं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत. थर्ड अंपायर रेफर केलं, षटकार आहे की नाही त्यासाठी इथे चेक केलं जाईल.
तर मागच्या वेळी देखील आपण चेक केला, आता देखील आपण चेक करू, तर डगआउटमध्ये अजिबात आवाज येऊ नका. टीम भिंगारी, रूल सगळ्यांसाठी सेम असतील. तर आमचे गौरव सावंत इथे सज्ज आहेत. रिप्लाय तुम्हाला स्क्रीनवरती काही क्षणात लगेच पाहायला मिळेल. वकडीवरनं प्रवीण गायकर या मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. एक उत्कृष्ट समालोचक, अतिशय चांगला प्रयत्न तिथे फुलडचा राहिला. पाहिजे काय घडलंय, षटकार आहे की इथे पाच धावा सेव्ह केलेत फिल्डिंग करताना प्रेमनाथ इलेव्हन मोरबी टीम ना, आणि इथे निर्णय आला सहा धावा षटकार इथे ऍड होईल. आणि बीमरसाठी थर्ड अंपायर रियू. तिथे रियू घेतला, तर आमचे अजित पुत्रन सर तिथे होतील संलग्न सावन सोबत. धावफलक आहे, धावफलकावरती फुल टॉस होता. पाहिजे तो फुल टॉस बीमरमध्ये ऍड होईल का, जर हाईट फॅक्टर जास्त असलं तर चेक केलं जाईल आणि तो निर्णय लगेच येईल. कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला प्लीज आरडाओरड करू नका, थोडीशी शांतता असू द्या. जे निर्णय येईल आम्ही लगेच पोहोचू. राजेंद्र भोईर सर होते, त्यांच्या नजरेत तर तसं काही आढळलं नाही आहे. आणि अंपायरकडनं कदाचित आपल्याला मिस्टेक पाहायला मिळते. आणि ते रिव्ह घेतला तो म्हणजेच बीमरसाठी, तोच इथे चेक केला जातो आहे. पाहिजे सध्या तरी चित्र हेच वाटत आहे की 80% डिसिजन बॉलिंग फीवर जाईल. अजित पुत्रन सर सातत्यानं तरी देखील चेक करतायत. हलकासा मॅसेज आमच्यापर्यंत आला आहे, कन्फर्म शो झाल्यानंतर आम्ही लगेच तो निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचू. थोडं फास्ट करा प्लीज, आमचे टेक्निकल रूममधनं निर्णय थोडं लवकर घ्या, कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे. यानंतर अजून भरपूर मॅचेस बाकी आहेत. पाहिजे कानी नेतो आहे भिंगारीसाठी. जर हा निर्णय आला तर 1+6 7 मिळतील. धावा देखील वेगानं पुढे सरकलेत स्कोर कार्डवरती. टार्गेट त्यांच्यासमोर मोठं आहे. मोरबी टीम पहिल्या षटकामध्ये 10 खर्च झालेत, नंतर चांगला कमबॅक केला. 4 बॉलमध्ये 2 खर्च केलेत, 1 विकेट झाली आहे. आता इथे षटकार ॲड झाला आहे. धावफलक जाऊन पोहोचलं 18. चला थोडस स्पीडअप करा, मॅचचा रिदम देखील तुटतोय. निर्णय थोडस फास्ट घ्या. षटकार आहे, फक्त आपल्याला हे चेक करायचंय की बीमर आहे की नाही. तर षटकार मिळेल
बॉल ऍड केला जाईल धावफलकावरती. बीमर नाही आहे. ऑनफील्ड अंपायरचा जो निर्णय होता तो बरोबर होता. आता जो तुमच्यासाठी रिव्ह्यू होता तो नाही आहे. आता तुम्ही इनफील्ड अंपायरचे जे निर्णय येतील त्याच्यावरतीच तुम्हाला हा पुढचा प्रवास सुरू ठेवावा लागेल. थँक्यू सो मच गौरवदादा सावंत. आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे, त्याचा फायदा इथे घेतला जातो प्रत्येक क्षणाक्षणाला. षटकारानंतर पाहिजे संकेत. कमबॅक कसा करेल मिस्तामिंग टीमचा कॅप्टन रोशन पाटील चेंडूखाली, त्याला माहिती आहे अजून एक इथे विकेट आणि यावी परतावं लागलंय फलंदाज रघु परदेसीला. आणि तीन धक्के इथे लागलेत बॅटिंग करणाऱ्या टीम भिंगारीला. आणि दोन षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर अजून एक विकेट ॲड झाली, म्हणजे चार विकेट्स गमावत असताना धावफलकावरती धावा आहेत 18, तुम्हाला बनवायच्या 63 रन्स. म्हणजे इथनं अजूनही येणारे बॉल बाकी आहेत 18 आणि करायचे तुम्हाला 45 धावा. दोन ओव्हरमध्ये 18 झालेत, 18 बॉलमध्ये 45 हवेत. प्रतीक पाटील इथे गोलंदाजीसाठी येतो आहे. पैसे टीम मुरबी आहे, कधी चेंजेस होऊ शकतात. कारण या टीममध्ये कधी कोण यष्टीरक्षक येईल, कधी कोण सलामी लाईल हे सांगणं भरपूर कठीण असतं. फक्त एकच नंबर या टीममधला फिक्स असतो, तो म्हणजे मुकेश ठाकूरचा. ज्यावेळी परिस्थिती गंभीर असते तेव्हा तो मैदानाच्या आतमध्ये येतो. 8 बॉलमध्ये 27 धावा या मॅचमध्ये त्यांना बनवल्या. चांगली बॅटिंग केली मुकेश ठाकूरनं आणि 63 रनचं टार्गेट लावलं. उमका पाटीलनं देखील चांगला केस साकारला, 13 बॉलमध्ये 23. आयुष्याचा नवा डाव सुरू झाल्यानंतर उमी सांगतोय की क्रिकेटमध्ये आताही तेच दमखम राहील, फॉर्म तोच राहील, तोच दबदबा राहील या स्टार खेळाडूचा. 18 बॉल रन्स करायच्यात 45. बॉलर सज्ज होईल बॉलिंग मार्गवरती. प्रतीक पाटीलचा वापर इथे केला. टानस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्यासोबत ऑनलाईन सज्ज झालेत कुठेही जाऊ नका. यानंतर एक मोठी मॅच तुमच्यासमोर आम्ही घेऊन येऊ. गावदेवी अंजूर कुणाल म्हात्रे विरुद्ध प्रथमेश म्हात्रेचा फुंडे. उरण विभागातील संघ, एका बाजूला भिवंडी दुसऱ्या बाजूला रायगडातील उरण, तुम्हाला त्यांच्यामध्ये बॅटल रंगताना दिसेल. पहिला बॉल घेऊन कुणाल नाईकसाठी. पहिलाच बॉल प्रचंड वेग, अतिशय दर्जेदार टप्पा आणि वेगावरती स्वार होऊन कुणाल नाईकला इथे थांबवलाय. चेंडू डॉट जातोय. हे आमचं भव्य दिव्य सभा मंडप ड्रोन कॅमेराच्या माध्यमातून कव्हर केलं जातं. अतिशय मानाची सन्मानाची क्रिकेट स्पर्धा. आमच्या सगळ्या मॅनेजमेंट कमिटीची नावं नक्कीच या षटकानंतर तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू. इथे फटका उंच हवेमध्ये, फटका नाही तर मॅचचा प्राण हवेमध्ये आणि कुणाल नाईकची कॅच सोडली आहे बंटी ठाकूर. इथे कॅच गेली आहे की मॅच, हा देखील प्रश्न चर्चेचा विषय राहील. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं आणि कुणाल नाईकमध्ये एवढी क्षमता आहे की कधीही मॅचचा काय पालट करू शकतोय हा खेळाडू. तर महेश दवी मास्टर माइंड ऑफ मुरबी आज टीममध्ये नाही आहेत, ते देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत आणि बेस्ट ऑफ लक देत आहेत मुरबी टीमला. गोलंदाज सज्ज होत असताना कॅच सुटल्यानंतर 2 धावा ऍड झालेत. धावफलक 20 वरती आहे, अजून 43 धावीचा प्रवास शिल्लक आहे आणि कॅच सुटल्यानंतर संधी कुणाल नाईकला आणि संधीचं सोनं करतो तो विजेता असतो. आणि कुणाल नाईक आता सांगतोय आय बॉर्न विथ विनर क्वालिटीज. आणि आता हा जेल ठरतोय महागडा, बॉल जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, येतोय षटकार. थँक्यू डीजे. आता कुणाल नाईक सर्व काही पणाला लावताना दिसेल, पण पाहिजे प्रतीक पाटीलमध्ये देखील क्षमता, त्याला कशाप्रकारे थांबवलं जाईल. ओव्हर द विकेट येतोय. इथे हाफ ट्रॅकर ऑन साईडला हवेच्या विरुद्ध दिशेनं खेळलेला स्ट्रोक मिड विकेटला मुकेश ठाकूर.
आणि आता आपण म्हणू शकतोय ही मॅच आणि ही कॅच इथे टिपली आहे कुणाल नाईकची. मुकेश ठाकूरनं टीम मुरबीनं फलंदाज बाद. ऋषिकेश परदेसी आणि आता सुशील मैदानाच्या आतमध्ये नंबर क्रमांक 7 वरती आला म्हणजे आता हे मिडल ऑर्डरचे फलंदाज येईल. थोडे बाद झालेत आता पाहायचं टॉप ऑर्डर ढासळी आहे. मिडल ऑर्डरचे फलंदाज थोडेसे बाद झालेत. अंतिम टप्प्यातील बॅट्समन नंबर 7 आणि 8 कशाप्रकारे बॅटिंग करतील. महत्त्वाची विकेट जी हवी होती मुरबीला ती मिळून दिली प्रतीक पाटीलनं. एकदा जीवनदान मिळालं पण नंतर षटकार आला पण आपले मनसुबे खचू देत नाही आहे. म्हणूनच नेहमीच सांगत असतो रायगड क्रिकेटच्या वर्तुळावरती 15 ते 16 वर्ष अधिराज्य गाजवणारा प्रेमनाथ 11 मुरबी बॅटची खेळा फलंदाज मैदानातनं जाईल बाहेर लागतोय धक्का नंबर इथे 7. थँक्यू डी जे. आणि मुरबी टीम म्हटली तर एक असा संघ आहे अरे सो लगात आहे जिसे अपनी किस्मत आजमानी हो. हम तो वो खिलाड़ी है जो अपने किस्मत के साथ भी खेलते हैं आणि तो संघ आहे रायगडातला हा मुरबी. तर मुरबी टीम खासदार चषकामध्ये देखील खेळताना दिसेल. तिथे त्यांना ज्यांनी पुरस्कृत केलं जागतरे फ्रॉम अंजूर ते देखील मुरबीला बसस्टॉपला देत असताना धन्यवाद. चांगली बॉलिंग करतो प्रतीक पाटील. बॉलर सज्ज होईल बॉलिंग मागवरती. विकेटची पडझड सातत्यानं सुरू राहिली आहे. बाबूशा आमच्यासोबत जॉईन होतात ज्यांच्यासाठी आम्ही नेहमीच म्हणत असतो बॉलिवूडमध्ये बिपाशा राजकारणामध्ये अमित शाह आणि क्रिकेट कॉमेंट्री शायराना अंदाज म्हणजेच देवीच्या पाड्याचा बाबूशा. नेक्स्ट मॅच अंजूर खेळ भरपूर डिस्काउंट डिस्काउंट ते करतील. इंटरटेन काय असतं ते बाबूशाहकडनं आपण ऐकू शकाल. सध्याच्या घडीला त्यांचा चिंगू चिंगू फॉर्मला जो विघ्नेश धुळे यांचा फेवरेट आहे. तर धावफलक 3 ओव्हरनंतर आपल्याला पाहायला मिळते धावफलकावरती. आफ्टर 3 ओव्हर टीमची टोटल झाली आहे धावफलकावरती 26 करायच्या तुम्हाला या मॅचमध्ये. 63 म्हणजे आता 12 बॉल 37 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी बॅटिंग करणाऱ्या भिंगारी क्रिकेट संघाला. थँक्यू डी जे. तर पाणी आलं आहे पिऊन घ्या. ओमी पाणी आहे तिथे. 3 ओव्हरचा खेळ संपन्न झाला. 3 ओव्हरनंतर धावा आहे 26 12 बॉलमध्ये 37 करायच्यात. आज इन एक्शनमध्ये देवेश घरतला देखील आपण पाहू शकता. डायटेड फॅन ऑफ ओमकार पाटील त्याच्या हातावरती ओमकारचा टॅटू देखील आहे. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकरसाठी पहिल्यांदा हे चित्र पाहायला मिळालं क्रिकेटमध्ये. आणि सध्याच्या घडीला पाहिलं आम्हाला धोनीसाठी देखील ती गोष्ट पाहायला मिळते. ॲज अ फॅन्स एखाद्या तुमच्या फेवरेट प्लेयरचे तरी देखील टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती तुम्ही पॉप्युलर होऊ शकता. कारण टेनिस क्रिकेट हे मित्रांनो क्रिकेट आहे जिथे प्रत्येकाला एक वेगवेगळी ओळख या टेनिस बॉल क्रिकेट जगतानं दिली आहे.
आणि टेनिस बॉल क्रिकेट जगताचे अनेक स्टार्स रत्नागिरी दुबई कतार गाजवतात. आणि सध्या रायगड म्हटलं तर आपण म्हणू शकतो की रायगड क्रिकेटच्या इतिहासातील मागच्या 50 ते 60 वर्षातील एक सुवर्ण काळ 2020 मध्ये अनुभवला रायगड क्रिकेटनं. आम्ही नेहमीच सांगत असतो की रायगड क्रिकेटनं महाराष्ट्राला महाराष्ट्राचा बायकरमॅन आकाश तारेकर दिला आहे. रायगड क्रिकेटनं विश्वजीत मेघनाथ ठाकूर युरोप खंडामध्ये जाणारा खेळाडू दिला आहे. रायगड क्रिकेटनं महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगताला यंग रायझिंग स्टार महाराष्ट्राचा उदयनमुख खेळाडू मयूर वाघमारे दिला आहे. याच रायगड क्रिकेटनं जिथे एक कमी तिथे विजयाची हमी असं रायगड खारघर विभागातील एक छोटंसं गाव इनामपुरी त्या गावाचा स्टार अंगद पाटील दिला आहे. आणि या सगळ्यात रायगड स्टार्सनं नक्कीच म्हणू शकतो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगताला पराभूत केलं आणि रायगड टेनिस क्रिकेट जगताची ताकद दाखवली. त्याबद्दल पूर्ण रायगडचं मी ओंकार शेट्टी डोंबिवली वाकण पूर्ण कल्याण डोंबिवली भिवंडी क्रिकेट ठाण्याच्या वतीनं तुम्हाला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा देतो आहे. दोन धावा कंप्लीट केल्या जातील. धावफलक दोन्ही पुढे सरकेल आणि सध्याच्या घडीला आपण पाहतो रायगड वर्सेस ठाणे अनेक बॅटल रंगतात. एक मैत्रीपूर्व लढत एक मैत्रीपूर्व संबंध या दोन जिल्ह्यांमध्ये. इथे बॅटची आतली खेळा आणि इथे मात्र विकेट मिळेल संकेत पाटीलला. फलंदाज इथे बाद होईल लागतोय हा धक्का आणि मॅचमध्ये पाड भारी होतोय. आता 10 बॉल 35 धावेची गरज. बासमान इंटर होतोय. जयेश धावा भरपूर झाल्या 63. पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये पावर प्लेमध्ये जास्त धावा नव्हत्या. नंतर ओंकारनं चांगली बॅटिंग केली. मुकेश ठाकूरनं 8 बॉल 27 ज्या बनवल्या त्या भरपूर महागड्या राहिल्या आता भिंगारीसाठी. पण अजूनही मॅच संपली नाही आहे. 10 बॉल 27 करायच्यात. अंबरनाथ मलंगड विभागातील युवा सेनेचं एक युवा नेतृत्व भालगावचा एक बुलंद आवाज प्रदीपजी मडवी ते देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. आणि त्यांच्याकडनं देखील युवराज पॅकर्स मोरबी टीमला बसस्टॉपला आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार होईल संकेत पाटील. इथे टप्पा पडल्यानंतर बॉल आतमध्ये येतोय. यष्टी रक्षक बंटी ठाकूर आहे. हारला तरी चालेल टीम भिंगारी पण लढल्यात कसं याची छाप आता सोडायला हवी. मी म्हणाल भिंगारी टीमनं कारण लक्ष थोडंसं लांब चाललंय. मॅच थोडीशी दूर जाती आहे. 9 चेंडू 35 धावेची आवश्यकता. इथे लाईन खराबा दिशेवरचं नियंत्रण थोडंसं हरपलं संकेत पाटीलचं. एक्स्ट्रा रन ॲड होईल. समीकरण बदलेल. 9 बॉल 34 नऊ चेंडूमध्ये कमीत कमी आपल्याला 5 षटकार मारायचेत. सध्या हे टार्गेट मनामध्ये ठेवावं लागेल. फिल्डिंगमध्ये चेंजेस आणत असताना फाईन लेगला सर्कलच्या आतमध्ये इन्व्हाइट केलं. एक लॉंग लेग एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. देवेश गहरत एक खेळाडू आहे लॉंग ऑनला. मुकेश ठाकूर एक लॉंग ऑफ आणि एक एक्स्ट्रा कव्हर. अजून एक चांगला बॉल ज्याच्या भाई बॉल त्याचा प्रॉपर टप्प्यावरती रिलीज होतोय. मोठ्या मोठ्या फलंदाजांची भंभेरी उडवताना आपण पाहिलंय. गोलंदाज संकेत पाटीलला चांगली बॉलिंग करतोय. भरपूर काही शिकतो हा खेळाडू. मागचे 2 ते 3 वर्ष पाहिलं त्याचा यशाचा ग्राफ जो आलेख असतो तुमच्या सक्सेसचा तो कुठेच खाली आला नाही आहे. वेल बोल्ड संकेत पाटील. अजून एक चांगला चेंडू. दोन्ही बाजूला हलक्या हातानं बॉल वळवतात. 3 ते 4 पावलांचा शॉर्ट रिदम आहे. शॉर्ट रनवे जास्त गती देत नाही आहेत. एक वेगवान गोलंदाज आहे म्हणतात तरी देखील सध्या नकल बॉल जास्त पाहायला मिळतात. अजून एक बॉल हवेमध्ये. जज कोण करेल आता हा प्रश्न. इथे कॉल केला होता लॉंगॉनच्या फिल्डरनं बट तोपर्यंत ताळमेल व्यवस्थित जुळाला नाही. 2 रन्स इथे कम्प्लीट होतील. क्या बॉलिंग केली संकेत पाटीलनं 2 धावेच्या मदतीनं. 4 ओव्हरचा खेळ संपन्न झाला आफ्टर 4 ओव्हर्स. टीमची टोटल आहे धावफलकावरती
31 धावा आता 6 बॉल आणि तुम्हाला जिंकण्यासाठी इथे 32 धावेची गरज आहे. 6 चेंडू 32 तर एक टीव्हीएस आय थिंक ज्युपिटर आमच्याकडे की सबमिट आहे ज्या कोणाची असेल आपली ओळख पटून आपली की कॅरी करा आमचे लाडके प्रेक्षक. नेक्स्ट मॅच गावदेवी अंजूर त्यांना फाईट करेल ती म्हणजेच टीम प्रथमेश म्हात्रेजी फुंडे. चांगला संघर्ष प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळेल दुपारच्या सत्रामध्ये या रगरगत्या उन्हात जे प्रेक्षक या स्पर्धेला प्रेम देतात. बोल तयार बॉलिंग ट्रॅकवर बॉल तयार होईल. पहिलाच बॉल इथे डॉट जातोय म्हणजे मॅच लांब जाते. 5 चेंडू आणि 32 धावा नाही असं काही नाहीये. भरपूर चांगली स्कोरिंग तो करतोय. प्रॉपर टेक्निकल स्कोरिंग होती आहे तर कौतुक व्हायलाच हवं. आमचे गुण लेखक विशाल राणे फटका चांगला आला. संघर्ष शेवटपर्यंत करणं आता हेच इथे सिद्ध करावं लागेल. आणि हा षटकार येत असताना तिथे आगमन होतं बॅकबोन ऑफ टेनिस क्रिकेट डॉट इन. काल 63,000 विक्रम का मोडला त्याच्यामागे मिलनचा मोठा आशीर्वाद होता. गौरव अजून एक मोठा स्ट्रोक मिडविकेटला फिल्डर आणि ते चांगली कॅच टिपत असताना क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये प्रतीक पाटील उर्फ गुड्डू आणि फलंदाज बाद होईल. थँक्यू डी जे. तर मॅचमध्ये फक्त औपचारिकता इथे शिल्लक आहे तर मॅनेजमेंट कमिटीची अशी विश आहे की मॅच संपल्यानंतर मॅन ऑफ द मॅच प्लेअर विथ संकेत पाटीलनं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जॉईन व्हावं. खास आयोजकांची इच्छा म्हणजे संकेत पाटीलचं बबलू बदलापूरमध्ये देखील फेमस आहे. अजून एक डॉट बॉल 2 चेंडूंचं काही शिल्लक घ्या. चला अंजूर टीम तुम्हाला डगआउटच्या समोरूनच आतमध्ये उतरायचं आहे. बॅटिंगसाठी सेट व्हा आणि टीम फुंडे कॉमेंट्री बॉक्स समोरून फिल्डिंगसाठी तुम्हाला उतरावं लागेल. गावदेवी अंजूर विरुद्ध फुंडेमध्ये फाईट आफ्टर लॉंग टाईम. विश्वास म्हात्रे देखील इन ॲक्शनमध्ये दिसतील. वन ऑफ द ग्रेट लेजंड प्लेअर भिवंडी. भिवंडीमध्ये जी कार नक्की झाली जोवली स्पर्धेची विश्वास म्हात्रे तो खेळाडू होता ज्याने अंजूर गावाला हा सन्मान मिळवून दिला. आणि अंजूर गावाच्या क्रिकेटची मुहूर्तमेढ लावणारं हे नाव विश्वास म्हात्रे. मॅच इथे संपली आहे. सामना जिंकला प्रेमनाथ इलेव्हन मुरबीनं. अभिनंदन करू आपण मुकेश ठाकूर उमका पाटील बंटी ठाकूर विकी पाटील रोशन पाटील जे संघनायक आहेत आणि प्रितेश पाटील त्याचबरोबरीनं गुड्डू सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच मुकेश ठाकूर 8 चेंडू 26 धावेची एक झुंजार आणि विस्फोटक खेळ ज्यानं साकारली तो मुकेश इथे ठरला मॅन ऑफ द मॅच. प्लीज कम ऑन द स्टेज अँड कलेक्ट युअर ट्रॉफी. तसेच आपण वळूया बाबू शायांच्याकडे. यानंतर मॅच फुंडे विरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळेल टीम अंजूर. थँक्यू. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण जाऊया जिथे बाबू शाह देखील तुमच्यासोबत जॉईन होतील. थँक्यू. तर या सामन्याचा मानकरी ठरलाय मुकेश ठाकूर. तर मुकेश ठाकूर या मंचावरती एक आकर्षक ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर एक शर्ट दिलं जातोय. हॅलो संकेत पाटील आइए आयोजन करता हूं की तरफ से खास फरमाइश है क्योंकि बदलापुर में भी बबलू आना चाहिए. तो चलिए ओमकार पाटिल आइए आपके लिए यहाँ पर 500 रुपया का इनाम आया है टीम के पैकर से अशोक दूधकर साहब. देखिए
थँक यू. उत्तर आमचे शैलजी भोईर आहेत, त्यांना विनंती करेन की आपल्या शिवाचे पारितोषिक द्यायचे. या शिवसेनेचे युवा कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या शिवाचे एक शर्ट आणि त्याचबरोबर एक ब्युटिफुल ट्रॉफी आणि त्याचबरोबर 500 रुपयाचं पारितोषिक अशोक दूधकर संघाचे पॅकर्स आहेत त्यांच्याकडून. तो चलिए इस मैच के देखिए मैन ऑफ द मैच मुकेश ठाकुर, जिन्होंने 8 गेंद को 26 रनों के कमाल का इनिंग्स खेले. यहाँ पर मुकेश ठाकुर आपसे ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर. तो चलिए मुकेश ठाकुर अक्सर माइक्रोफोन पर कम बात करते हैं. और लीजिए यहाँ पर ओमकार पाटिल जिनके लिए यहाँ पर पैकर्स अशोक दूधकर साहब उनकी तरफ से भी 500 रुपया दिया गया. और चलिए माइक्रोफोन पर कोई बातें ना करें, लेकिन से आइए संकेत पाटिल से, क्योंकि रायगढ़ पर काफी धमाका मचाई है. बबलू आए क्या? ना आए तो उन्हें बुलाइए थोड़ा. नक्कीच आलं नाही तो बोलू त्या.